जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुतहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 एमपीए हॉस्टल और खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट समेत अतराफ की गलियों को बरकी कुमकुमों और झालरों से सजा दिया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एमकेएम के तमाम जोनल दफातर सेक्टर्स यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट और तालुका ऑफिसों को भी बरकी कुमकुमों और झालरों से सजाया गया है। चौराहों बाजारों चुरंगियों पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बैनर्स आवेजा किए गए हैं। एमकेएम के तहत जुलूसों की गुजरगाहों पर पानी और शरबत की सबीलें मोटर साइकिल कैंप और इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता खिदमत खल्क फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज जुलूस की गुजरगाहों पर हमा वक्त मौजूद रहेंगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची में एमकेएम के मरकज 90 एमपीए हॉस्टल खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट और अतराफ की गलियां बरकी कुमकुमों और झालरों से सजा दी गई हैं। एमकेएम के एलामे के मुताबिक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एमकेएम के तमाम जोनल दफातर सेक्टर्स यूनिट जिले और ताल्लुका दफातर को भी बरकी कुमकुमों और झालरों से सजाया गया है। एलामिया के मुताबिक जुलूसों के रास्तों पर एमकेएम के तहत पानी और शरबत की सबीलें मेडिकल कैंप और इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता खिदमत खल्क फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद रहेंगी।